हाँ जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है थोड़ा फिर तो पंजाब न्यूज चैनल ते। मैं तरसेम सिंह मठाड़ू ते हर रोज की तरह गलबात करांगे अज दीआं वड्डीआं खबरां दी। ते खबरां शुरू करन तों पहलां तुहाडे अगे एक छोटी जी रिक्वेस्ट है कि जिन्हां हाले तक चैनल नूं सबसक्राइब नहीं कीता हो जल्दी तों जल्दी चैनल नूं सबसक्राइब कर लैण ते नाल लगे बैल दे आइकोन नूं जरूर प्रेस कर दैण तां जो जिहड़ी असीं नवीं वीडियो पावांगे उसकी तुहानूं नोटिफिकेशन मिल जाया करूगी। तो दूजी बेनती है कि जे साडे द्वारा दित्ती जानकारी तुहानूं वधिया ते सही लगती आ तां सानूं लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दिया करो। तो खबरां शुरू करन तों पहलां झात मारदे आं अज दीआं चोणवीआं खबरां ते। पहली चोणवी खबर है सरकार दा ऐलान, 24 घंटे बिजली दे नाल मिलेगी बिल विच इह राहत। कैप्टन नूं सताउण लगी कणक संबंधी चिंता, केंद्र कोलों मंगी किसानां लई मदद। भारतीय वैज्ञानिकों ने जारी की करोना वायरस की पहली माइक्रोस्कोपी तस्वीर। कोविड-19 लोगों को राहत पहुँचाने 70 करोड़ रुपए होर मंजूर, मनप्रीत सिंह बादल। करोना वायरस मोदी सरकार ने किया यह वड्डा ऐलान, 1 अप्रैल तो पूरे देश में होगा लागू। विदेशों तो भारतीय लोगों वालों जानकारी लुकाने पर पासपोर्ट होगा रद्द। PM मोदी की अपील से अक्षय ने 20 मिनटों से ही कोरोना लई दान किए 25 करोड़ रुपए। तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों करफ्यू में फसे लोगों ट्रांजिट पास जारी करने का दिता अधिकार। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सरपंचों तो बाद शहरी स्थानक इकाइयों शहरी गरीबों दिहाड़ीदारों से मजदूरों की मदद लई फंड वरतन अधिकारित किया। अगली वड्डी खबर है पाकिस्तान च कोरोना पीड़ितों की गिनती हुई 1373, लैंदा पंजाब सब तो वधेरे प्रभावित। किराएदारा लई कुछ खबरी, मकान मालिक नहीं लै सकनगे 1 महीने का किराया। लॉकडाउन में घर घर मुफ्त पहुंचेगी PM मोदी की उज्ज्वला गैस योजना। पंचायती फंडा चो रोजाना दिहाड़ीदारा के लोड़वंदा लई दवाइया भोजन खरीद सकदियां हन ग्राम पंचायत। अपने घर जाने रास्ते च फसे लोगों लई केंद्र दा वड्डा ऐलान। कुछ खबरी, कोरोना वायरस नूं हरा के अपने घर परत्या पंजाब दा पहला व्यक्ति। ड्राइवरां दे परिवारां लई ओला ने बनाया 20 करोड़ दा राहत फंड, CEO देवेगा 1 साल दी सैलरी। चौथी बार पॉजिटिव आई कनिका कपूर दी रिपोर्ट, कीती सी वड्डी लापरवाही। ते दोस्तों ये सीगियां अज दीआं चोणवीआं खबरां ते हुण गल्लबात करदे आं अज दी पहली वड्डी खबर दी। सरकार का ऐलान है 24 घंटे बिजली नाल मिलेगी बिल विच इह राहत। करोना महामारी दे वजह नाल पूरे देश विच कीते लॉकडाउन नूं वेखदे होए केंद्र सरकार ने हुण बिजली कंपनियों लई राहत पैकेज जारी कर दिता है। 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवाउण अते बिल दे लेट होण ते हुण कोई चार्ज नहीं वसूलिया जाएगा ते बिजली भी 24 घंटे दिती जाएगी। अगली वड्डी खबर है कैप्टन नूं सताउण लगी कणक सांबा दी चिंता, केंद्र कोलों मंगी किसानां लई मदद। करोना वायरस के चलद सूबे इस समय पैदा हुए माहौल देखद मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह कणक की फसल संबंधी चिंता सताउण लग पई है। कैप्टन की अगुवाई पंजाब सरकार ने वाढ़ी के पछड़ जाने के मद्देनजर इस साल कणक की खरीद प्रक्रिया लंबे समय तक जारी रखने की अपील की है। इस ही केंद्र पासों अनाज मंडिया च भीड़ भड़कड़े रोकने देरी अनाज लिया संबंधी किसानों की मदद करने की भी मांग की है। इस वेले अगली वड्डी खबर भारतीय विज्ञानिकों ने जारी की करोना वायरस की पहली माइक्रोस्कोपी तस्वीर। जी हाँ दोस्तों, पूरी दुनिया जिस करोना वायरस महामारी लड़ रही है उस करोना वायरस की भारतीय वैज्ञानिकों ने पहली माइक्रोस्कोपी तस्वीर जारी कर दी है। तस्वीर भारतीय मेडिकल रिसर्च जर्नल के ताज़ा वर्जन छपी है। वैज्ञानिकों ने प्रयोगशाला वालों पुष्टि की गई देश करोना वायरस के पहले शख्स के गले की खराश का नमूना लिया। अगली वड्डी खबर है जी, लोगों को राहत पहुँचाने 70 करोड़ रुपए होर मंजूर, मनप्रीत सिंह बादल। पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने दस्सिया कि सूबा सरकार ने राज्य के जिले में कोविड-19 बीमारी नाल निजिठण लई लोगों की मदद लई 70 करोड़ रुपए की वाधू सहायता प्रवान की। इस तों पहला 22 करोड़ रुपए तो पहला ही सूबा सरकार राज्य के 22 जिलों में भेज चुकी है। इस वेले की अगली वड्डी खबर, मोदी सरकार ने किया यह वड्डा ऐलान, 1 अप्रैल तो पूरे देश में होगा लागू। मोदी सरकार कोरोना वायरस तो बचने लई वड्डे कदम उठा रही है, पर भुखमरी सरकार की सब तो वड्डी समस्या बनी हुई है क्योंकि भारत में बहुत सारे लोग हर रोज़ काम करते हैं तो अपने परिवार का ढिड भरते हैं। तालाबंदी के दूजे दिन मोदी सरकार ने लोक हित में एक वड्डा ऐलान कर दिया। अप्रैल के पहले हफ्ते में 8 से 70 करोड़ किसानों 2000 तो 1 किश्त देने का दावा किया है। तो 1 अप्रैल सारे के खाते जिहड़े किसान वीर PM किसान सम्मान निधि योजना नाल खाते जुड़े हैं उन्होंने 1 अप्रैल खाते में 2000 रुपया आ जाएगा। अगली वड्डी खबर, विदेशों तो भारतीय लोगों
जानकारी लगाउण ते पासपोर्ट होवेगा रद्द। करोना वायरस के लगातार बढ़ रहे मामलों को देखते हुए पंजाब सरकार वड्डा कदम चुकन की तैयारी कर रही है। विदेशों तो पंजाब आने वाले प्रवासी भारतीयों को सूबे के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सख्त चेतावनी दी। सूबा सरकार ने कहा कि पंजाब आने वाले प्रवासी भारतीयों को तुरंत अपने बारे जानकारी देनी चाहिए, नहीं तो उनके पासपोर्ट रद्द कर दिए जाएंगे। अगली बड़ी खबर है जी, पीएम मोदी की अपील से अक्षय ने 20 मिनटों में ही कोरोना लिए दान किए 25 करोड़। बॉलीवुड अदाकार अक्षय कुमार ने पीएम मोदी की अपील से 20 मिनट अंदर ही कोरोना वायरस नाल निजिटण लई 25 करोड़ रुपए दान कर दिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस नाल निजिटण लई पीएम केयर फंड बनाए, जिस लई देशवासियों को दान करने की अपील की। मोदी ने ट्वीट में दान करने का तरीका दसते हुए यह फंड कोरोना वर्गिया कई गंभीर स्थितियों में लोड़वंदा की मदद करने का साधन बनेगा। मोदी की अपील के 20 मिनटों में ही अक्षय कुमार ने 25 करोड़ रुपए दान कर दिए। इस वेले की अगली वड्डी खबर, तहसीलदारां अते नायब तहसीलदारां नूं करफ्यू विच फसे लोगों नूं ट्रांजिट पास जारी करन दा दित्ता अधिकार। एक बहुत ही ध्यान नाल सुनने वाली गल है, जिहड़े दूजियां स्टेटां विच फसे हुए लोग उन्हां लई एक बहुत ही वधिया खबर है। करफ्यू की वजह नाल अपने घरां तों दूर फसे हुए लोगों नूं हुण ट्रांजिट पास जारी करन दी पावर संबंधित एरिया दे तहसीलदारां दे नायब तहसीलदारां नूं दे दित्ती गई है। डिप्टी कमिश्नर कुलवंत सिंह ने जिहड़े सारे तहसीलदार अते नायब तहसीलदारां नूं ट्रांजिट पास जारी करन लई अधिकारित कर दित्ता है। तो तुसी जिहड़े भी स्टेट में फसे हुए उत्थों दे नायब जां तहसीलदार कोले जा के तुसी ट्रांजिट पास बना सकते हो ते अपने घर वापस परत सकते हो। अगली वड्डी खबर है जी, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सरपंचां तों बाद शहरी स्थानक इकाइयां नूं शहरी गरीबां दिहाड़ीदारां अते मजदूर की मदद लई फंड वरतण लई अधिकारित किया। मुख्यमंत्री ने कोविड-19 कारण लगाए करफ्यू दौरान नगर निगम अते माउस ਪਲੈਨੈਟੀਆਂ ਨੂੰ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਾਸਤੇ ਚਾਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵੀ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਫੰਡ ਵਰਤਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਫੰਡ ਵਰਤਣ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਾਸਤੇ ਚਾਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਫੰਡ ਵਰਤਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। अगली वड्डी खबर है जी, पाकिस्तान च कोरोना पीड़ितों की गिनती हुई 1373, लैंदा पंजाब सब तो वधेरे प्रभावित। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के मामलों ने रफ्तार फड़ ली। शनिवार तक देश में इस जानलेवा वायरस के 1373 मामले सामने आ चुके हैं। इन्होंने 11 की मौत हो गई, इसकी जानकारी UNI वालों दी गई है। सरकारी आंकड़े मुताबिक पाकिस्तान का पंजाब सूबा सब तो वधेरे इस महामारी प्रभावित है, जिथे हुण तक 490 मामले सामने आ चुके हैं, जिन्हों में 5 लोगों की मौत हो चुकी है। अगली वड्डी खबर है जी, किराएदारों लई खुशखबरी, मकान मालिक नहीं लै सकणगे 1 महीने का किराया। करोना वायरस के वाधे प्रभाव में रोकने लई पीएम नरेंद्र मोदी ने देश भर च 21 दिन के लॉकडाउन का ऐलान कर दिता, जिहे विच नोएडा के हुए लॉकडाउन के मद्देनजर गौतम बुद्ध नगर जिला मैजिस्ट्रेट BN सिंह ने किराएदारों तों किराया वसूलण उत्ते 1 महीने ते रोक लगा दी है। मंग की जा रही कि यह हुक्म सारे मुल्क विच लागू होण, हौली हौली इन्हां नूं सारे मुल्क विच लागू कर दिता जाएगा, क्योंकि जी लॉकडाउन की स्थिति में कोई काम नहीं कर सकता, इसलिए जिहड़े मकान मालिक 1 महीने का किराया नहीं लैणगे। अगली वड्डी खबर है जी, लॉकडाउन में घर घर मुफ्त पहुँचाएगी PM मोदी की उज्ज्वला गैस योजना। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में शुरू हुए प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना आखिरकार एक बार फिर गरीब औरतों वरदान बन गई हैं। वह भी अजिहे समय में जब पूरा देश कोरोना की आफत नाल जूझ रहा है, 21 दिनों के लॉकडाउन में है, तो वीरवार को मोदी सरकार द्वारा 1.70 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज के ऐलान नाल गरीब औरतों 3 महीने तक मुफ्त उज्ज्वला सिलंडर देने के ऐलान तो बाद धर्मेंद्र प्रधान हरकत में आए हैं, तो इसलिए औरतों को 3 महीने के अंदर 3 सिलंडर मुफ्त दिए जाएंगे। अगली वड्डी खबर है जी, पंचायती फंडां चो रोजाना दिहाड़ीदारां ते लोड़वंदां लई दवाइयां ते भोजन खरीद सकदियां हन ग्राम पंचायतां। पंजाब दे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ग्राम पंचायतां नूं पंचायती फंडां चो रोजाना दिहाड़ीदारां ते गरीब व्यक्तियों लई दवाइयां ते भोजन खरीदण लई कहा। इस दे नाल ही उन्होंने कहा कि हरेक ग्राम पंचायत नूं रोजाना घट तो घट 5,000 रुपए अते वध तो वध 50,000 रुपए खर्चण दा अधिकार दिता गया है। अगली वड्डी खबर है जी, अपने घर जाण च रस्ते च फसे लोगों लई केंद्र दा वड्डा ऐलान। देश च करोना वायरस संक्रमित लोगों की गिनती तेजी नाल वध रही है। सरकार ने पूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया, देश के बावजूद शुक्रवार को एक दिन करोना वायरस के 19 ते शनिचरवार को 99 मामले सामने आए हैं। लोगों को लगातार घर रहने की अपील की जा रही है, तो कहा जा रहा है कि जरूरत दी चीज़ां घर तक पहुँचा दी जाएंगी, उत्थे ही
दिल्ली के नाल लगते यूपी सरहद से मजदूरों का हिजरत करन दा सब तो वड्डी समस्या बन गई। वड्डी गिनती च लोग करोना वायरस के फैलन की परवाह किए बिना अपने घरां वल रवाना हो रहे हैं। अगली वड्डी खबर है जी, खुशखबरी, करोना वायरस नूं हरा के अपने घर परतिया पंजाब दा पहला व्यक्ति। जी हाँ दोस्तों, भारत जिथे करोना वायरस कारण 21 लोगों की मौत हो चुकी है, उत्थे कुछ अजिहे केस भी सामने आ रहे हैं जिन्हां विच मरीज़ करोना वायरस नूं हरा के अपने घर परत रहे हैं। तो अजिहा ही अज एक मामला पंजाब विच देखने को मिला जिथे पंजाब विच सब तो पहला पॉजिटिव आने वाला मरीज इलाज करवाउण तों बाद ठीक हो के अज अपने पिंड खनूर पहुँच चुका है। एक बहुत ही वड्डी खुशखबरी की गल है। अगली वड्डी खबर है जी, ड्राइवरों के परिवारों लिए ओला ने बनाया 20 करोड़ का राहत फंड, सीईओ देवेगा 1 साल की सैलरी। जी हाँ दोस्तों, ओला के बुलारे और संचार मुखी आनंद सुब्रमणियम ने कहा कि इस संकट दौरान मोबिलिटी इंडस्ट्री को वड्डा झटका लगा है, काम ठप हो गया। इस माहौल में ड्राइवर लिए एक वड्डा संकट खड़ा हो गया, वो अपने परिवार के खातों लिए पैसा इकट्ठा करने में असमर्थ हैं। इस समय उन्होंने कोल आमदनी का कोई स्रोत नहीं है। ओला ने शुक्रवार को जारी अपने बयान में कहा कि यह फंड ड्राइवर की भलाई और उन्होंने संकट तो बाहर कढ़ने सहायता करेगा। फंड की शुरुआती रकम 20 करोड़ रुपए रखी गई है। कंपनी का टीचा लगभग 50 करोड़ रुपए एकत्र करना है। अगली वड्डी खबर है जी, चौथी बार पॉजिटिव आई कनिका कपूर की रिपोर्ट की थी, वड्डी लापरवाही। जी हाँ दोस्तों, हस्पताल की तरफ यह कहा गया कि कनिका इलाज का समर्थन नहीं कर रही, वो सबर की बजाय स्टार की तरह काम कर रही है। जबकि करोना का कनिका का दोष लाया कि डॉक्टर उसनों धमकियां दे रहे हैं। कनिका उस समय सुर्खियों में आई जब उसनों पहली बार करोना सकारात्मक पाया गया। समय दौरान उसकी लाग की खबर लगाने उसकी आलोचना की गई थी। इन्ना ही नहीं, IPC दी धरावां तहत लखनऊ के सरोजनी नगर थाने में FIR दर्ज की गई थी। कनिका 9 मार्च लंडन तो वापस आई थी, तो लंडन तो वापस आने तो बाद लखनऊ मापिया को चली गई। तो इन्ना ही नहीं, अपने आप को अलग थलग करने की बजाय वो 4 पार्टियों में पहुँच गई थी। इन्ह पार्टियों में राजस्थान की सबका मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पुत्र दुष्यंत नाल मौजूद थी। हालांकि पार्टी में मौजूद बहुत सारे लोगों की रिपोर्ट नैगेटिव सी। तो दोस्तों, यह अपनी अज्ज दियां वड्डियां खबरां, ते साडे द्वारा दित्ती जानकारी तुहानू किदां लगी सानू कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करो जी। तो असीं हाजर हुंदे तुहाडे लई होर नवीं खबरां नाल। होंदे लई इन्ना ही, धन्यवाद दोस्तों।